चाइल्ड लॉ और कंसेंशुअल सेक्स, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सोचकर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी तो लॉ जो कहता है हम उसे एक चाइल्ड के लिए सही मानते हैं, और कभी हम लॉ के ऊपर चाइल्ड को रखते हैं। लेकिन क्या सही है ये अभी तक कोई नहीं कह सका। इस बात का अंदाजा हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि पिछले एक महीने में हमने देखा कि 3 अलग अलग हाई कोर्ट्स ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012 में फंसे एक्यूज्ड पर्संस की FIR या तो क्वैश कर दी या फिर उनके अगेंस्ट चल रही क्रिमिनल प्रोसीडिंग से उन्हें एक्यूट कर दिया। वन हाई कोर्ट रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल ऑन द ग्राउंड्स दैट द एक्यूज्ड एंड द माइनर विक्टिम हैड कंसेंशुअल सेक्स। तो क्या तीनों हाई कोर्ट्स का ये डिसीजन आपकी नजरों में सही था? अब ये तो आप पूरी स्टोरी सुन के ही डिसाइड करें। 12 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 साल के एक एक्यूज्ड को बेल पे रिलीज कर दिया ऑन द प्रिमाइस दैट द 15 ईयर ओल्ड गर्ल हैड इलोप्ड विद हिम ऑन हर ओन एंड डिड नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। सिमिलरली ऑन जुलाई 10th द बॉम्बे हाई कोर्ट क्वैश्ड द कन्विक्शन ऑफ अ 25 ईयर ओल्ड मैन अंडर पॉक्सो ऑन द ग्राउंड्स that he had consensual sex with the 17-year-old girl. The girl had terminated her pregnancy after the arrest of the accused. Madras High Court also on 7th July not only quashed an FIR registered under POCSO and consequential criminal proceedings but also directed the Director General of Police to produce the reports of all such pending cases before the court. इन्हीं सारे केसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हुए कहा था कि वो कंसीडर करे टू रिड्यूस द एज ऑफ कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूटरी फ्रॉम 18 टू 16 ईयर्स। POCSO एक्ट में जैसा कि आप जानते हैं चाइल्ड को बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स डिफाइन किया गया है। POCSO में चाइल्ड को डिफाइन करने का पर्पस ये है टू सेफगार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंसेंट विच कुड इवन बी अनइक्विवोकल एंड वॉलेंट्री। अगर चिल्ड्रन को सेपरेट और वल्नरेबल कैटेगरी में ट्रीट करना है तो द कंसेंट should be of no avail if the accused had knowledge of the victim being a child. हालांकि ऊपर साइट किए गए केसेस में हाई कोर्ट्स ने ना ही एज ऑफ कंसेंट का ऑनर किया ना तो प्रोसिक्यूटर्स के फेवर में मैंडेटरी लीगल प्रिजम्पशन का कॉग्निजेंस लिया। और हैरानी की बात ये है कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द प्रोसिक्यूटरिक्स एंड द एज ऑफ द एक्यूज्ड विच रेंज्ड अप टू 10 इयर्स वाज आल्सो नॉट टेकन इनटू अकाउंट। वैसे तो विक्टिम की एज को 18 से 16 करने का रिकमेंडेशन ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन उस मामले पर भी ध्यान नहीं दिया गया जहां पीड़िता की उम्र 15 साल थी। अगर जुडिशरी ऐसे ही सभी कंसेंशुअल सेक्स केसेस को क्वैश करती रही तो व्हाट विल बी द बॉटम लाइन ऑफ एज ऑफ कंसेंट एंड हु विल सेट द बाउंड्री? क्या ऐसा करना चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा? इन द टू ऑफ द अबव केसेस माइनर गर्ल्स had become pregnant and terminated their pregnancy. Did the courts examine whether these girls really understood the consequences of early pregnancies? जैसा कि आप जानते हैं कि consent की age reduce करने का jurisdiction parliament के हाथ में है, but the Supreme Court must step in to quickly resolve the gap between the laid law as understood by the investigating agencies and different interpretations by the high courts. This acquire importance in the light of the Supreme Court judgment in Independent Thought versus Union of India 2017, wherein it held that even sexual intercourse with a minor wife is rape. तो ये था आपके लिए इस sensitive topic पे एक छोटा सा analysis. अब आपके इस पर क्या विचार हैं? Please share with us and follow Law Chakra for more news.